Hello guys, this is NK Rao here to discuss about the current affairs. तो आपका जीनियर स्टडी यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत है. रैशनल एंड लॉजिकल स्टडी डोंट मग अप. तो हम लोग आज का डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर. तो इस करेंट अफेयर में डिस्कस करते हैं जी, इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं. इसमें तीन तरह के क्वेश्चन हैं. एक जनरली मैं बता दूं कि ALP और टेक्नीशियन RPF और RPF के लिए ही है. तो जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो पे देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे. बोल रहा है किस मंत्री ने मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किया, यानी मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक का अनावरण किसने किया है, कितने उसका उद्घाटन किया है जी, तो अरुण जेटली ने किया है. G20 शिखर सम्मेलन कहाँ बैठक हुआ है, तो G20 शिखर सम्मेलन का बैठक कहाँ हुआ है जी, तो अर्जेंटीना में हुआ है. कहाँ हुआ है G20 शिखर सम्मेलन का बैठक, तो अर्जेंटीना में हुआ है. मैं बात करूँ G20 शिखर सम्मेलन में ही आपको ये जय का यानी जापान अमेरिका और इंडिया का एक इनफॉर्मल मीटिंग हुआ है. उसके अलावा ब्रिक्स का भी वहीं पे मीटिंग हुआ है जी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. 14वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसमें किस बार देश को केंद्रित किया गया जी, तो किस देश को केंद्रित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया है. 24वें कोलकाता जो आपको फिल्म समारोह हुआ है, तो यहाँ से कोलकाता से आपको याद आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में जान लेते हैं जी. तो बात करते हैं वेस्ट बंगाल का CM कौन है, तो वेस्ट बंगाल के CM कौन है जी, तो ममता बनर्जी है. कौन है जी, तो ममता बनर्जी है. गवर्नर कौन है, तो केसरीनाथ त्रिपाठी हैं. वहाँ का वेस्ट बंगाल का कैपिटल कहाँ है, तो कोलकाता में है. यहाँ पे मैं बताऊँ तो कोप इंडिया का भी एक्सरसाइज हो रहा है, जो इंडिया US के बीच हो रहा है, तो कोप इंडिया का भी यहाँ पे युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हो रहा है जी. चलिए कंटेंडर हु लीड्स द इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, कंटेंडर हु लीड्स इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो प्रिया सहगल लिखा है. अगले टॉपिक की तरफ हम लोग MCQ की तरफ बढ़ते हैं जी. तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें. आज इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखे हैं 500 लाइक का टारगेट रखते हैं जी. 500 व्यू का टारगेट रखते हैं, 500 लाइक का टारगेट रखते हैं जी. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ MCQ की तरफ बढ़ते हैं. बोला है बेसिक पोषण रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो बात की जाए तो सबसे वैश्विक जो पोषण रिपोर्ट यानी क्या जी, जिससे जितना कुपोषण रिपोर्ट है सबसे ज़्यादा खराब किसका है जी, तो कुपोषण में सबसे आगे इंडिया है, यानी पोषण में सबसे खराब स्थिति किसकी है जी, भारत का है, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद पाकिस्तान है. तो चलिए यहाँ से हमने देखा कि कुपोषण जो एक तिहाई कुपोषित लोग हैं इंडिया में कहाँ पर है जी, तो इंडिया में है जी. तो इंडिया की बहुत बुरी हाल है इस चीज में. चलिए जी इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. आपातकालीन नंबर 112 ठीक है जी. आपातकालीन नंबर जो आपको है 112 लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है. मैं बात करूं पुलिस के लिए, आपको फायरमैन के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए अलग अलग नंबर अलग अलग स्टेट में थे, तो पहली बार हिमाचल प्रदेश ने 112 नंबर लॉन्च किया, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, एक ही नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, पुलिस को भी बुला सकते हैं, फायरमैन को भी बुला सकते हैं और वुमेन सेफ्टी के भी गार्ड्स को बुला सकते हैं जी. चलिए तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं. तो हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश का CM कौन है, तो जयराम रमेश है जी. वहाँ पर गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत है. यहाँ पर ग्रेट हिमालय, पिन वैली और गिर गंगा क्या है जी, नेशनल पार्क है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड हैंड हाल में ही हैंड इन हैंड सैन्य युद्धाभ्यास भारत के किस देश के मध्य आयोजित किया गया, तो हैंड इन हैंड जो है जी आपको चीन के बीच क्या किया गया है जी, युद्धाभ्यास किया गया है. मैं चीन के बीच ये हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है, ये आपको चाइना के चेंगटुंग शहर में हो रहा है. तो चलिए चाइना के बारे में कुछ जानते हैं जी. तो चाइना का कैपिटल क्या है, तो बीजिंग है. करेंसी क्या है, रेनमिन भी है. क्या है जी, रेनमिन भी है. युआन जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे ही रेनमिन भी है, और हमारे यहाँ जैसा पैसा रहता है वहाँ पे युआन होता है. तो जब भी आपको ऑप्शन में रहे तो रेनमिन भी ही आप टिक लगाएं जी. ठीक है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, तो शी जिनपिंग कौन है जी, चाइना का प्रेसिडेंट है. तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना सीखे. तो चलिए इसी तरह हर क्वेश्चन को सीखेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, एक एग्ज़ाम में एक रैंक बनाने के लिए हमारे पास नॉलेज हो जाएगा जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. 13वें द्विवार्षिक एग्रो टैंक इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो चंडीगढ़. एग्रो इसमें अनेक अनेक देश से कंपनी आ रही है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, वो क्या लगाएंगे, मेल लगाएंगे. तो वो कहाँ लग रहा है, चंडीगढ़ में लग रहा है जी. बात करते हैं सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को 100%
घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है। देखिए बात कीजिए सौभाग्य योजना जो है घरेलू विद्युतीकरण है, ये इंडस्ट्रियल नहीं है जी। इसमें क्या है केवल घर को ही किया जाएगा यानी ग्राम को किया जाएगा। तो इसमें आपको पहले 7 स्टेट कर चुके थे और 8 नए स्टेट हुए हैं जी, ठीक है। विद्युतीकरण में 100% हासिल किया है। तो इसे टोटल कितने हो गए, 15 हो गए, लेकिन नए कितने हुए, 8 ही हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। बात की जाए तो सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म क्या है जी, तो सहज बिजली हर घर योजना। क्या है जी, सहज बिजली हर घर योजना। ये 31 मार्च 2019 तक इसका टारगेट कंप्लीट करना है जी, 100%, ठीक है ना। इसके बाद की जाए इसके मिनिस्टर कौन है, तो आर के सिंह क्या है जी, इसके मिनिस्टर है। कौन है जी, तो आर के सिंह इसके मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 1 जनवरी 2019 को किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता कौन करेगा, तो कौन करेगा जी, भारत करेगा। किम्बरले प्रक्रिया किससे रिलेटेड है, तो डायमंड से है जी। किससे रिलेटेड है, तो डायमंड से है। बात कर रहे हैं वन लाइनर करेंट अफेयर का, तो सोलोमे जुराबिसली किस देश की राष्ट्रीय महिला बनी जी, राष्ट्रपति बनी है, महिला बनी है, कौन किस कंट्री की है, तो जॉर्जिया की। बात की जाए तो जॉर्जिया के करेंसी क्या है, तो जॉर्जिया लैरी है। जॉर्जिया लैरी या लॉरी भी लिखा जाता है, तो क्या जी जॉर्जिया की क्या है, जॉर्जिया लैरी है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, तो मेजर जनरल अलेंका आर्मेस किस देश की पहली सेना प्रमुख बनी है, तो देखिए महिला सेना प्रमुख बनी है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो किस देश की है जी, तो स्लोवेनिया की है। बात की जाए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन का, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। चलिए तो देखिए हम लोग यहाँ पे आजकल सीखे कि देखिए जो एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत ही क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको हमको जानने की ज़रूरत है जी। इस सभी को जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर नहीं जानिएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जो कि आपको रेलवे के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें से युद्धाभ्यास से पूछा नहीं रह रहा है, तो इसलिए उस चलिए एक बार मिलिट्री एक्सरसाइज को हम लोग रिविजन कर लेते हैं। देखिए इंडिया तो सबके साथ करेगा ही, हम उसी चीज़ को पहले पढ़ेंगे जो क्या होगा, इंडिया के साथ एक्सरसाइज करेगा और किसी और कंट्री से करेगा। तो चलिए अगला हम क्या करते हैं जी, अगला हम डिस्कस करते हैं तो सूर्य किरण किसके साथ होता है जी, तो मैं सूर्य किरण बता देना चाहूँगा, सूर्य किरण किसके साथ होता है जी, तो नेपाल और इंडिया के साथ होता है। केवल मैं नेपाल बोल दूंगा और आगे चल जाऊंगा ऐसे ऐसे। लैमिथ किसके साथ होता है जी, सेशल्स के साथ होता है। खंजर किर्गिस्तान के साथ होता है। वज्र प्रहार यूएस के साथ होता है, अमेरिका यूएसए। विनवैक्स किसके साथ होता है, तो वियतनाम के साथ होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ होता है, तो सिंगापुर के साथ होता है। नोवोर्डिक इलिफेंट किसके साथ होता है, तो मंगोलिया के साथ होता है। मित्र शक्ति किसके साथ होता है जी, श्रीलंका के साथ होता है। गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ। शक्ति किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ होता है। हरिमौ शक्ति मलेशिया के साथ होता है। मैत्री किसके साथ होता है, थाईलैंड के साथ होता है। वरुण किसके साथ होता है, तो फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, मैं इस जो भी देश का नाम बोल रहा हूँ वो और इंडिया साथ में है, ठीक है ना जी। चलिए प्रबल दुस्तक किसके साथ होता है, तो कजाकिस्तान के साथ होता है। ठीक है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों अलग अलग देश है, तो प्लीज़ आपको याद रखिए प्रबल दुस्तक कजाकिस्तान के साथ होता है। खंजर किसके साथ है, किर्गिस्तान के साथ है। सिलिनेक्स किसके साथ है, श्रीलंका के साथ है। इम्बैक्स किसके साथ है जी, म्यांमार के साथ है। युद्धाभ्यास किसके साथ है, तो अमेरिका के साथ है। अल नगाह किसके साथ है, तो ओमान के साथ है। ओस इंडेक्स किसके साथ होता है, या ककाड़ू किसके साथ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ठीक है जी, इंद्र किसके साथ होता है, तो रशिया के साथ होता है। इंद्र किसके साथ होता है जी, तो रशिया के साथ होता है, ठीक है ना जी। तो आजकल देखिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कोंकड़ एक्सरसाइज हुआ, किसके साथ हुआ दीजिए, तो इंडिया यूके के बीच हुआ है, जो गोवा में अभी हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब देखिए याद रखिएगा। चलिए हैंड इन हैंड किसके साथ होता है, चाइना के साथ। अभिषेक साइनो इंडिया किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है जी। अजय वॉरियर किसके साथ होता है, तो ब्रिटेन और इंडिया के साथ होता है। इक्विबेरियन किसके साथ होता है, तो मालदीव के साथ होता है जी। संप्रीति किसके साथ होता है, तो संप्रीति किसके साथ होता है जी, तो संप्रीति आपको बांग्लादेश के साथ होता है। सिम्बेक्स किसके साथ होता है, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच है। संवेदन, चलिए तो ये सब जो भी था इसमें क्या था, इंडिया इन्वॉल्व था और दूसरा कंट्री का हम नाम बता रहे थे। चलिए अब कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होंगे, लेकिन क्या है जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चलिए संवेदना क्या हुआ था जी, तो नेवी एयरफोर्स जो है इंडिया की और आर्मी, इन तीनों के बीच हुआ था। क्या हुआ था, संवेदना हुआ था, तीनों ने एक साथ एक्सरसाइज किया था, ठीक है ना।
चलिए अगला है वोस्तक। वोस्तक किसके साथ हुआ थी? तो रसिया, चाइना और मंगोलिया के बीच क्या हुआ था? वोस्तक हुआ। मालाबार एक्सरसाइज किसके साथ होता है? इंडिया, जापान और अमेरिका के साथ हुआ। हो सकता है अगली बार जब मालाबार एक्सरसाइज हो तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करे। तो देखिए इतना सारा है आपको, मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ से याद कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ।